हेलो एवरीवन, मैं नूतन शर्मा आप सबों का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज की रेसिपी हमारी दही भल्ले की है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी दही भल्ले बनके तैयार हुई है। तो चलिए, इसी की सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसे कैसे सॉफ्ट और कितनी फूली फूली कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्ट दही भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ उड़द दाल का यूज़ किया है, जो गोटा उड़द दाल है। मैं इसे 4 घंटे के लिए भिगो के रखने वाली हूँ। मैंने यहाँ 1 कटोरी उड़द दाल यूज़ किया है और उसमें मैं 1 गिलास पानी में डाल रही हूँ और इसे 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी पानी में भिगो के। अब देखिए 4 घंटे हो चुकी है, मैंने इसका पानी हटा दिया है, अभी अच्छे तरह से फूल चुकी है और मैं इसे अब जार में डाल के पीसने वाली हूँ। तो इसे पीसने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं इसे पीस तो ली हूँ, लेकिन इसमें हर समय आपको ठंडा पानी यूज़ करना है, यानी फ्रिज का पानी, वो भी हल्के मात्रा में आपको यूज़ करना है। और फ्रिज का पानी यूज़ करेंगे तो इसकी सफ़ेदी बनी रहेगी और ये बहुत ही जल्दी पिसा जाएगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिए ये मैंने पीस लिया है और इसे पीसते समय आपको पूरी तरह से ये ध्यान रखना है कि पूरी तरह से ये पिसा जाए, थोड़ा भी इसमें दाना ना बचे। और अब मैं इसे किसी दूसरे बर्तन में मैं इसे पलट दे रही हूँ और वो थोड़ा सा चौरा टाइप का मैंने बर्तन यहाँ यूज़ किया है और उसमें मैं पूरा उड़द दाल, पीसी हुई उड़द दाल मैंने इसमें डाल लिया और इसे अच्छी तरह से एक ही सर्किल में आपको घुमाना है। यानी कि यदि आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो सिर्फ क्लॉकवाइज ही घुमाना है, या फिर यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, उल्टी सीधी आपको नहीं घुमाना है। इसमें एक ही साइड आपको घुमाना है, यदि क्लॉकवाइज तो सिर्फ क्लॉकवाइज ही घुमाना। और ये हो जाएगी, इसका पता कैसे चले तो ये हमारी, मैंने इसमें पानी लिया है 1 कटोरी में, छोटा सा बाउल में। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ लिया, देखिए ये पूरी तरह से डूब चुकी है, यानी कि इसे और भी फेंटना हमें बाकी है। तो अब मैं इसे फिर फेंटूँगी। इसकी पहचान यही है कि अच्छे से फेंटा गई है, कि 1 कटोरी में जब मैं पानी लूँगी और उस पर इस कि छोटी सी मैं बरी डालूंगी तो वो बरी ऊपर में हिलने लगना चाहिए, तब ये लगेगा कि ये हो गया है पूरी तरह से। अब देखिए मैं फिर चेक कर रही हूँ, ये देखिए अब ये पूरी तरह से ऊपर में हिल रही है, यानी कि ये हो चुकी है। और अब मैं ये टेस्ट कर चुकी हूँ और अब ये पूरी तरह से रेडी है। अब मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ छोटी छोटी बरी के रूप में, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा डाला है। ये आप डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, लेकिन डालेंगे तो ज़्यादा स्वाद आएगी। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक छोटी छोटी पीसेस में कट करके थोड़ी सी डाल रही हूँ और ये आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ नमक यूज़ कर रही हूँ हल्का। अब ये सारे को अब मिला लेना है अच्छे से, देखिए हल्का मैंने नमक ले लिया है और अब सभी को अच्छे से मैं मिला ले रही हूँ। इस तरह से अच्छे से फेंट लेना है।
जीरा का पाउडर है ये जो अभी मैंने पीसा था, और ये है चाट मसाला, और ये लाल मिर्च पाउडर और काला नमक, और मैंने यहाँ पे हरी चटनी लिया है। हरी चटनी ये मैंने धनिया पत्ता का बनाया हुआ है, और ये इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ पहले ही, तो उसे आप देख सकते हैं जाके। अब देखिए मैंने इसका हल्का पानी हटा करके मैं इसे दूसरे प्लेट में रख ली हूँ, और ये मैंने फेटा हुआ दही लिया है, इसमें थोड़ा भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए पूरी तरह से फेट लिया गया है, आप इसे चलनी से चाल करके भी इसे आप पतला कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने इसमें हल्का चीनी ऐड किया है, तो चीनी मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है, यहाँ 1.5 कटोरी मैंने दही लिया है, इसे मिला लेना है। मीठी हल्का मीठी होने तक इसे इसमें चीनी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब मैं इसके ऊपर से इसे फैलाते जा रही हूँ, दही को इस तरह से सारे में फैला दिया। अब इसके ऊपर मैं हरी चटनी डाल रही हूँ इस तरह से, सभी में हरी चटनी डाल लेना है। और अब मैं इसमें इमली की चटनी भी डाल दी हूँ, मीठी चटनी इमली की, ये सारे को मैंने इस पर फैला दिया है। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा मसाला ले लिया, जैसे अभी मैं लाल मिर्च ले रही हूँ, सभी में लाल मिर्च डाल लेना है। और अब मैं यहाँ पे वो जो मैं पीसी हुई थी जीरा पाउडर वो मैं यहाँ ले रही हूँ, और अब मैं चाट मसाला डाल रही हूँ इसके ऊपर से, सभी में फैला देना है। और अब मैं काला नमक ले रही हूँ, ये देखिए सभी के ऊपर अब मैं काला नमक डाल दे रही हूँ। और अब ये आपकी दही भल्ला पूरी तरह से रेडी है खाने के लिए, और मैं इसे दूसरे प्लेट में भी सर्व करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट और कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट दही भल्ला, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। देखिए कितनी सॉफ्ट है ये दही भल्ला, और कितनी स्पंजी बनी है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी है। तो आप भी इसे हमारे साथ अपना कमेंट शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।